नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है मेरे एक और हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में, जिसका शीर्षक है कि कॉलेज द्वारा बताया गया ड्रेस कोड, कॉलेज द्वारा बताई गई यूनिफॉर्म आप हमेशा फॉलो करिए, क्योंकि ये आपकी एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी है। देवियों सज्जनों, कई बार हम एज स्टूडेंट कॉलेज आते वक्त बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड फॉलो करते हैं। आजकल हर कॉलेज का अपना एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड होता है, जो कि कॉलेज वाले कहते हैं कि वहां पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स इस चीज को फॉलो नहीं करते। कॉलेज या तो एक प्रोफेशनल ड्रेसअप डिमांड करता है, या कॉलेज की अपनी एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म होती है जो कॉलेज कहता है कि आप हमेशा पहन कर आइए, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स ये ड्रेस कोड फॉलो नहीं करते और एक फैंसी ड्रेस कोड में कॉलेज आ जाते हैं। स्टूडेंट लाइफ में हमें लगता है कि ऐसा करने से कोई खास प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ऐसा करते करते हमारी साइकोलॉजी एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही होती है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। सबसे पहले आप ये जानिए कि हर कॉलेज का अपना एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड क्यों होता है। अगर हम फार्मा कॉलेज की बात करें तो फार्मा वालों का ड्रेस कोड मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट से मिलता जुलता है। जिस प्रकार का ड्रेस कोड मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, लगभग मिलता जुलता ड्रेस कोड फार्मा कॉलेज के स्टूडेंट भी फॉलो करते हैं। ऐसा और अलग अलग स्पेसिफिक प्रोफेशन के कॉलेजेस में भी होता है कि जिस प्रकार का प्रोफेशन है उस प्रकार का ड्रेस कोड उस कॉलेज के स्टूडेंट्स फॉलो करें। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आप एक स्पेसिफिक प्रोफेशन से जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उसी तैयारी का हिस्सा है उस स्पेसिफिक प्रोफेशन से रिलेटेड कॉलेज में पढ़ना। यानी कि अगर आप फार्मा ग्रेजुएट बनना चाहते हैं तो आपको फार्मेसी कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको B.Tech कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको MBA कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जैसी पढ़ाई वैसा डिफरेंट कॉलेज। अब आप ये ध्यान दीजिए कि पढ़ाई तो आप कर लेंगे, लेकिन पढ़ाई करने के बाद आपको एक्चुअली काम क्या करना है और किस तरह के एटमॉस्फेयर में करना है। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो B.Tech या M.Tech करने के बाद ऑफ कोर्स आपको इंडस्ट्री में काम करना पड़ेगा, जिस स्पेसिफिक फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, जो भी आपकी फील्ड है। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आखिर आपको उस पर्टिकुलर फील्ड के प्रोफेशन में जाना पड़ेगा। वही चीज फार्मा ग्रेजुएट्स के साथ भी है और वही चीज मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट्स के साथ भी है। इसीलिए प्रोफेशनल कॉलेज आपको पहले से ही ग्रूम करना चाहता है कि आप एक प्रोफेशनल मेंटेलिटी के साथ पढ़ाई करें, क्योंकि आखिरकार आप जिस एनवायरमेंट को हिट करेंगे अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, आपको वहां जाकर उस ड्रेस कोड को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडस्ट्री में जब हमसे कहा जाता है कि आप या तो फॉर्मल्स पहन कर आएंगे या फिर आपको ऑफिस से निकाल दिया जाएगा, तब हम डरे हुए होते हैं और हम इंडस्ट्री द्वारा प्रिस्क्राइब ड्रेस कोड जरूर पहनते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा और कॉलेज लेवल पे हम ऐसा क्यों नहीं करते? शायद इसलिए कि कॉलेज लेवल पे हम फीस दे रहे हैं और कॉलेज वालों को हमें लगता है उनकी जिम्मेदारी है हमें पढ़ाना, लेकिन इंडस्ट्री में इंडस्ट्री वाले हमें सैलरी देते हैं काम करने की, और वहां हम डरे हुए होते हैं कि अगर हमने फॉर्मल ड्रेस अप फॉलो नहीं किया तो इंडस्ट्री हमें निकाल देगी, हमारे पैसे रुक जाएंगे, हमारी सैलरी रुक जाएगी। दो अलग अलग एटमॉस्फेयर्स में हम दो अलग अलग तरह का एटीट्यूड शो करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉलेज में आप जो पढ़ रहे हैं या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें करने के लिए आपको कहा जा रहा है कॉलेज अथॉरिटी द्वारा, अगर आप उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे तो वही कैजुअल एटीट्यूड आप इंडस्ट्री में भी लेकर जाएंगे। और एक बार आप वही कैजुअल एटीट्यूड इंडस्ट्री में लेकर चले गए तो इंडस्ट्री वाले आपको टॉलरेट नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता या फिर 15 दिन। और इस एक हफ्ते और 15 दिन के पीरियड में रोज आपको वार्निंग दी जाएगी कि या तो हफ्ते भर में आप अपना ड्रेस कोड सुधार लीजिए, अपना एटीट्यूड सुधार लीजिए, नहीं तो एक हफ्ते बाद या 15 दिन बाद आपको निकाल दिया जाएगा। और डेफिनेटली ऐसा ही होता है।
आपको निकाल दिया जाता है, और सिर्फ निकाला नहीं जाता, उस कंपनी के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं। क्योंकि अगर किसी कंपनी से किसी को फायर किया जाता है तो वो कंपनी दोबारा उस एम्प्लॉय को कभी हायर नहीं करती। ये ऑर्गेनाइजेशन का रूल है, किसी भी इंडस्ट्री में आप देख लीजिए, ये रूल है कि अगर कोई इंडस्ट्री किसी एम्प्लॉय को खुद निकालती है तो वो इंडस्ट्री दोबारा उस एम्प्लॉय को कभी हायर नहीं करती, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री के लिए एक ब्लैक लिस्टेड एम्प्लॉय हो जाते हो। इससे आपको दोबारा उस कंपनी में काम करने का मौका भी नहीं मिलता और आपकी रेपुटेशन भी डाउन हो जाती है। देवियों सज्जनों, इन दोनों बातों में फर्क बहुत ज्यादा है और बहुत बड़ा है। किसी इंडस्ट्री को इसलिए छोड़ना क्योंकि आप कोई दूसरी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, और किसी इंडस्ट्री से धक्के मारकर निकाले जाना, मुझे लगता है कि आप इन दोनों चीजों के फर्क को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन ये चीज हमें तब रियलाइज होती है जब हमारे साथ एक्चुअली ऐसा कुछ होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। या तो आप वहां के जेन्युइन रूल्स फॉलो करेंगे या फिर आप वहां रहेंगे ही नहीं। लेकिन कॉलेज में क्या होता है कि हमारे टीचर्स हमारे पेरेंट्स की तरह ही हमसे बिहेव करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वो आपको बार बार वार्न करेंगे, बेटा सुधर जाओ, बेटा एक अच्छा ड्रेस कोड पहनो, इससे तुम्हारी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। वो बार बार आपको टोकेंगे और फिर भी अगर आप नहीं सुधरे तो वो आपको कॉलेज से नहीं निकालेंगे बल्कि आपसे कुछ कहना ही बंद कर देंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि वो आपके ग्रोइंग ईयर्स हैं। आप वहां को सीखने के लिए आए हो, आप कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए आए हो। हर टीचर हर सीनियर अथॉरिटी यही चाहेगी कि आप ग्रो करें, आपको कोई कष्ट ना हो, लेकिन इंडस्ट्री वाले ऐसा नहीं देखते। इसलिए अगर आपको अपनी प्रोफेशनल गुडविल मेंटेन करनी है तो सबसे पहले अपनी ड्रेसिंग सेंस को मेंटेन करिए। कॉलेज का यूनिफॉर्म फॉलो करना एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है, इसलिए अच्छे स्टूडेंट्स बनिए और देश का नाम ऊंचा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।